स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो मेरी तरफ से फाइनली ऑल द बेस्ट। एक मैसेज देना चाहूंगा आपको, परेशान मत होना, जितनी भी प्रिपरेशन आपने की है उसके हिसाब से आपको एक रिवीजन ले लेना। हो सके तो क्लास जो भी थ्योरी है आपकी पूरी की पूरी वो एक बार रिवाइज करना। मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया, आज सुबह केस स्टडीज की वीडियो डाल दी कि केस स्टडीज आपको किस तरीके से बनाना है वो भी मैंने सिखा दिया आपको। कुछ बातों का ध्यान रखना जो मेरी तरफ से मैसेज है आपके लिए। पहली बात कि जो भी केस स्टडी का क्वेश्चन होगा उसमें ना एकदम एंड में तुम्हें आंसर दे रखा होगा, एंड में, तो शुरू की कहानी यहां वहां की बातें बना रखी होंगी, आप उसकी टेंशन मत लेना। एंड में जो दिया होगा आप उसको अच्छे से पढ़ के आंसर देना। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को प्लीज दो बार पढ़ लेना, क्वेश्चन मांग क्या रहा है पता चले, क्वेश्चन कुछ मांग रहा है आप कुछ और करके आए अपने आप से। ऑप्शन चारों पढ़ना, हमेशा चारों के चारों ऑप्शन पढ़ना। सेक्शन ए से शुरू करना, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन जो आपको टफ लग रहे हैं उनमें कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखना गलती से भी छोटा सा जीरो, छोटा सा मल्टीप्लाई डिवाइड अगर आपने मिस कर दिया तो उससे क्लास आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और ऑप्शन आप गलत टिक कर दोगे। फिल करते रहना साथ साथ में, जब सेक्शन ए के क्वेश्चन हो जाए 18 क्वेश्चन तो उसको एमआर पे अच्छे से फिल कर देना और बॉक्स में जरूर लिखना अच्छे से। क्वेश्चन रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन में सोच समझ के क्लास आपने टिक करना है। और बाकी अगर आप परेशान रहोगे, खुद को टेंशन लोगे, आप पेपर हार्ड लग रहा है ये वो, तो क्लास आपके आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। तो आपने क्लास पेपर थोड़ा लेंदी आएगा, पेपर बहुत टफ नहीं आएगा, पेपर थोड़ा सा जरूर आएगा, बड़ा रहता है क्योंकि कैलकुलेशन की वजह से बड़ा हो जाता है और कुछ नहीं। पेपर अच्छा जाएगा, अपना अच्छे से क्लास बेस्ट देना। मुझे पूरी उम्मीद है क्लास बहुत जम के हम सब ने मिलके बहुत मेहनत की है, तो ये पेपर जो आपका है क्लास वो बेकार नहीं जाएगा। तो अच्छे से क्लास पेपर करके आना। फाइनली मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट कोई दिक्कत हो क्लास कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। वीडियो थ्योरी की बना रखी है, प्लीज थ्योरी भी अच्छे से देख के चले जाना और सब कुछ एक बार क्विक रिवीजन ले लेना। हेडिंग सब हेडिंग वगैरह हर चीज क्विक रिवीजन लेना जाने से पहले, कोई न्यूमेरिकल ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपने अच्छे से क्विक रिवीजन लेना हर एक चीज का। और फाइनली क्लास ऑल द बेस्ट, और कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। बस यही टिप्स था आपसे बोलने आया था, बहुत मेहनत की है, यही मेरा लास्ट मैसेज है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के प्लीज आप अच्छे से आंसर देना उसका। और एंड तक आप हार मत मानना, खुद मन में हार जाओगे ना तो हार जाओगे कि आप नहीं हो पाएगा मुझसे यार, टफ लग रहा है, किसी भी तुक्का मार दिया कुछ भी, ऐसा नहीं। तुक्का मारने के भी तरीका है क्लास, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि जो ऑप्शन बिल्कुल गलत है उस ऑप्शन को हटा दो आप, बाकी में तुक्का मार लो, लाइक चार में से कोई आपको लग रहा है ये गलत है तो उसे हटा दो, तुक्का मार लो, गो बाय चॉइस से क्वेश्चन करना स्टार्ट। देख लेना कि ऑप्शंस को कई बार ऊपर से मैच करना, ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू देखना क्लास, ज्यादा है तो नीचे ज्यादा से डिवाइड होगा 110 से, और कम है तो नीचे 90 से डिवाइड होगा। इस तरीके से पूरी प्रिपरेशन जो है अच्छे से करके चिल होकर एकदम टेंशन फ्री लेके दिमाग को एकदम शांति रख के, पेपर से एक घंटा पहले कुछ मत पढ़ना, एग्जामिनेशन स्कूल में चले गए फिर कुछ मत पढ़ना, दिमाग को शांति रखना एकदम, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आपके मन में, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, कुछ मत पढ़ना, जो हो गया वही हो गया, वही पेपर में नहीं आने वाला जो आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है या जो आपका दोस्त आपको बता रहा है। तो बस फाइनली ऑल द बेस्ट, अच्छे से जाएगा पेपर आपका। पेपर देने खुशी खुशी हंस के बाहर निकलना और बताना जरूर मुझे कि आपका पेपर कैसा गया। फिर आने के बाद मैं इको की पूरी स्ट्रेटजी रेडी रखूंगा आपके लिए, काम कर रहा हूं आपके लिए अभी भी, इको की स्ट्रेटजी आने के बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।